हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहू स्पेशल। आज मैं बनाने वाली हूँ ब्राउन पेड़े। इसकी रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो अगर आपको ये पेड़े पसंद आए तो इसे ज़रूर ट्राई करें, और अगर ट्राई करना चाहते हैं तो मेरा वीडियो एंड तक देखिए। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। ये फ्रेश मावा लिया है मैंने, चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और अभी चीनी में ये पानी के छींटे डालने हैं, और पानी की छींटे मैं इसलिए डाल रही हूँ कि चीनी सिर्फ गीली हो जाए, ज़्यादा पानी हम लोगों को नहीं डालना है। और मीडियम फ्लेम पर इसको 4 से 5 मिनट के लिए ऐसे ही चलाते रहना है। जब चीनी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, आप देख सकते हैं कढ़ाई में बगल से चीनी ऐसे चिपकने लगी है, इसका मतलब ये परफेक्ट है। और अब इसमें हम लोग खोए को मिलाएंगे। इसी तरीके से 10 से 12 मिनट के लिए हम लोगों को लगातार चलाते रहना है, और चलाते चलाते ही इसका जो कलर होता है वो ब्राउन हो जाएगा। हम जितना चलाएंगे उतना ही इसका कलर ब्राउन हो जाएगा। और बराबर चलाते रहेंगे तो जो हमारा दानेदार पेड़े होते हैं ना, वैसे ही दानेदार खोए के पेड़े जैसे बन जाएगा, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। यस, थोड़ा टाइम टेकन है, बट यकीन मानिए खाने में बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो आप इसको इसी तरीके से एक बार ट्राई करें। इसको ऑफ करना है और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। सो अभी ठंडा हो चुका है खोया हमारा, तो अभी इसके पेड़े बनाएंगे। और पेड़े को आप जैसा भी शेप देना चाहें दे सकते हैं, आप गोल बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं, मैं इस तरीके से बना रही हूँ। सो गाइज, आई होप आप लोगों को मेरे ये ब्राउन पेड़े पसंद आए हों, और कुछ अलग तरीके से टेस्ट में बेस्ट ट्राई करना हो तो इस दिवाली ब्राउन पेड़े इसी तरीके से बनाएं। और अगर आपको ये पेड़े पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली।